Welcome to my kitchen. So today we will make this special egg masala. So आप सब देख ही रहे होंगे ये कितना जबरदस्त लगता है देखने में, खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है और बनाना बहुत ही इजी होता है। तो फिर चलिए इसको बनाना अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये ऑयल में थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे ये 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और फिर इसको ऐसे हल्के से भून लेंगे, थोड़ा सा ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, जैसे कि इसका जो कच्चा टेस्ट होता है रॉ टेस्ट नहीं आना चाहिए सब्जी में। तो ये जब कुक हो गया तो इसका कलर देखिए कैसे चेंज हो गया। अब हम इस पे डालेंगे 2 लार्ज फाइनली चॉप्ड ऑनियंस और फिर इसको स्लो में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये स्लो कुक होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। अब ऐड कर लेंगे टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और ये 1 स्पून चिकन मसाला। फिर हम ऐड करेंगे ये 2 टमाटर का पेस्ट है और इस पे मैंने 6 to 8 केसियो भी डाल दिया है। सबका अच्छे से पेस्ट बना के उसको ऐड कर लेंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऐड करेंगे 2 स्पून टमेटो केचप। अब मैं ऐड करूँगी 2 स्पून वाटर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर करके 10 मिनट्स तक कुक कर लेंगे लो फ्लेम में। 10 मिनट्स के बाद हमारा ग्रेवी कुछ ऐसा दिखेगा। फिर इस पे हम लोग डालेंगे ये थोड़ा कसूरी मेथी और सारे बॉयल्ड एग ऐड कर देंगे। फिर इसको अच्छे से, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा लाइटली इसको मिक्स करके कवर करके कुक करेंगे और 10 मिनट्स तक। आफ्टर 10 मिनट्स यू कैन सी हाउ लवली आवर ग्रेवी लुक्स लाइक। तो चलिए इसका अभी प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। एंड आप सब भी इसको घर पे बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। हाँ, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।